What's up everyone, welcome back to the channel. तो guys, अब हम करेंगे national income का सारा theory part in one go. तो जितना भी theory portion है, जो भी आपके सभी पूरा unit में cover हो सकता है, वो सब cover करेंगे इस video में. It is gonna be very 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 important. तो बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से समझना और फटाफट से सारी चीज़ें cover कर लेना. तो चलिए without wasting even a single minute, let's begin. सबसे पहले शुरू करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है जी? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि एक इकोनॉमी में एक इनकम तीन फेसेस से होकर गुजरती है और इनकम जहां से चलती है वहीं वापस आ जाती है. तो इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इनकम. इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में, सबसे पहले इनकम का जनरेशन होता है. लाइक मैं हाउस होल्ड हूँ, मैं अपनी सर्विसेज दूंगा फर्म्स को सामान बनाने के लिए, तो वो मुझे पैसा देंगे, मेरी इनकम जनरेट होगी प्रोडक्शन प्रोसेस में. उसके बाद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर वो हमें सैलरी वगैरह देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर जितना पैसा आएगा उससे मैं सामान ही खरीदूंगा. तो सर्कुलर फ्लो क्या होता है? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम. ठीक है, इसके बाद क्या आता है सर? कितने फेसेस होते हैं? अभी बताया आपको, जनरेशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस, डिस्पोजिशन फेस. जनरेशन फेस प्रोडक्शन फेस को बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेस इनकम फेस को बोलते हैं और डिस्पोजिशन फेस एक्सपेंडिचर फेस को बोलते हैं. ये डायग्राम एग्जाम में बना के आना. इसके बाद हमारे पास आता है जनरेशन फेस, ये सब आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक है, पहले पढ़ा हुआ होगा आपने सब. ठीक है, इसके बाद सर दो वेरिएबल आते हैं, स्टॉक और फ्लो. अगर आप कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो तो उसको स्टॉक बोलते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो तो उसको फ्लो बोलते हो. मतलब फ्लो में हमेशा टाइम डाइमेंशन होता है, यहाँ से यहाँ तक. मैंने बोला आपकी सेविंग्स, मैंने कहा यार ये पिछले 6 महीने की सेविंग्स है, ये पिछले 1 साल की सेविंग्स है, टाइम पीरियड जुड़ गया ना, वो फ्लो है. और अभी आपकी जेब में कितना पैसा है, टोटल इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो स्टॉक होता है. ठीक है, तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसमें टाइम डायमेंशन होता है. इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यानी स्टिल रहता है. इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, वो चेंज होता रहता है समय के साथ बार बार. फॉर एग्जाम्पल्स याद रखो, वेल्थ, कैपिटल, बैंक बैलेंस, यह स्टॉक है, और नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, लॉस, ये सब फ्लोज हैं. ठीक है जी, उसके बाद देखो, स्टॉक रुका हुआ पानी और चल रहा है तो वो फ्लो है. इसके बाद आता है मेरे पास रियल फ्लो और मनी फ्लो. दो प्रकार के ये फ्लोज होते हैं, दो प्रकार के हमारे पास इकोनॉमी में फ्लोज. जब सर्कुलर फ्लो होता है तो दो प्रकार के आपको फ्लो देखने को मिलते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो. रियल फ्लो क्या है? द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और मनी फ्लो क्या है? द फ्लो ऑफ मनी. देखो, जैसे इकोनॉमी में प्रोडक्शन चलता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करो ये हाउस होल्ड हैं, यहाँ पे हाउस होल्ड हैं 1, 2, 3, 4. ये हाउस होल्ड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इधर फर्म्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और ये फर्म्स बदले में क्या देती हैं? इन्हें पैसा देती हैं, फैक्टर पेमेंट्स. ठीक है, तो इन्होंने सर्विस दी, बदले में पैसा आया, उस पैसे से फिर ये खर्चा करते हैं, तो पैसा घूम के फिर इधर, उसके बदले में ये गुड्स और सर्विसेज देते हैं. तो दो चीजें घूम रही है, एक तो पैसा घूम रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज घूम रहे हैं. हाँ या ना? पैसा भी घूम रहा है और गुड्स और सर्विसेज भी घूम रहे हैं. तो जहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्लो हो रहा है किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का, उसको रियल फ्लो बोलते हैं. पैसे का हो रहा है तो उसको मनी फ्लो बोलते हैं. ठीक है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता है. अब किसमें बार्टर की प्रॉब्लम होगी? बार्टर क्या होता था? बार्टर सिस्टम पहले चलता था, जब गुड्स के बदले में गुड्स बदले जाते थे. तो रियल फ्लो में बार्टर की प्रॉब्लम आती है, मनी फ्लो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इट इज़ नोन एज फिजिकल फ्लो, इसी को फिजिकल फ्लो बोलते हैं. इट इज़ नोन एज नॉमिनल फ्लो, इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं. ठीक है जी, सर्कुलर फ्लो में क्या चलता है? देखो, दो सेक्टर कंसिडर करेंगे आप लोग, हाउस होल्ड और फर्म्स. हाउस होल्ड ऑनर्स हैं सर्विसेज के और फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म को क्लोज्ड इकॉनमी भी बोलते हैं. इसके अंदर कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं होता. एजम्पशंस क्या है? इसको समझने के लिए एजम्पशंस अगर आपसे पूछ ले तो एज्यूम करना कि दो ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स. ठीक है, उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो सर्विसेज देता है फर्म्स को और फर्म्स सब सर्विसेज हाउस होल्ड से ही लेती हैं.
फर्म गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हाउसहोल्ड्स को बेचती हैं, और हाउसहोल्ड जितनी भी पैसा लेते हैं उससे सारा खर्चा गुड्स और सर्विसेज में कर लेते हैं। कोई भी सेविंग नहीं है इकोनॉमी में, और ना तो हाउसहोल्ड सेव करते अपनी इनकम में से, ना ही फर्म अपना प्रॉफिट सेव करती, सब खर्चा करते रहते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, आउटर लूप जो है, आउटर लूप का मतलब ये बाहर वाला लूप, देखो यहाँ से फैक्टर सर्विसेज, यहाँ से गुड्स और सर्विसेज, ये रियल फ्लो दिखा रहा है, यानी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो इनर लूप है ये मनी फ्लो शो कर रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ मनी। ओके, इस तरीके से आप डायग्राम बना के नीचे डिफाइन करके आओगे। उसके बाद लीकेज इंजेक्शन ऑलरेडी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर इस, क्योंकि हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं, बस दो ही सेक्टर की बात करते हैं, तो इससे पैसा बाहर नहीं निकलता, लेकिन अगर सेविंग हो जाए, पैसा बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं लीकेज। और इसमें बाहर से पैसा आ जाए, फर्म किसी गवर्नमेंट से ले ले, फर्म किसी बैंक से बोरो कर ले, तो वो बेसिकली बाहर से पैसा आता है, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। तो मतलब पता होना चाहिए बस, और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा लीकेज इंजेक्शन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सेक्टर इकॉनमी के बारे में, एग्जाम में लास्ट में लिख के आना, टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन के बराबर होगा, फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम के बराबर होगी, रियल फ्लो मनी फ्लो के बराबर होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फैक्टर इनकम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से बराबर मनी का इनफ्लो आउटफ्लो चलता है। तो आई होप आपका चैप्टर नंबर 1 बेसिक ये रिवाइज हो गया होगा। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले आपको डोमेस्टिक टेरिटरी इसका मतलब देखना है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता था, एक आम आदमी की भाषा में हमारी सभी ज्योग्राफिकल टेरिटरीज, ज्योग्राफिकल टेरिटरी का मतलब हो जाता है जिस पर्टिकुलर रीजन में हम रह रहे हैं, आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, ठीक है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें और हैं जो आपको ऐड करनी होती हैं। कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। शिप्स हो गई हमारी, एयरक्राफ्ट हो गए हमारे, जो हमारे रेजिडेंट्स चलाते हैं किसी दो कंट्रीज के बीच में, तो वो हमारी टेरिटरी कहलाएगा। दूसरा, कोई भी फिशिंग वेसल, यानी वो फिशिंग जिस पे हो रही है, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स, रिग्स मतलब होता है कंटेनर्स, या यूजुअली पानी में होते हैं, तो अगर इंटरनेशनल वाटर्स में भी है जिस जगह पे है, वो हमारी टेरिटरी आएगी। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके, जो पानी में फ्लोट कर रहे हैं, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है, मतलब है इंटरनेशनल वाटर्स में, बट ये हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। उसके साथ साथ हमारी एम्बेसी, एम्बेसी क्या होता है, जितने हमारे इंटरनेशनल ऑफिसेज होते हैं, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई बाहर का इंडिविजुअल घूमने के लिए आया, सपोज ऑस्ट्रेलियन आया, अब उसको कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो कहाँ जाएगा, वो अपनी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ढूंढेगा यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, इस तरीके से हर कंट्री में दूसरी कंट्रीज़ की एम्बेसीज होती हैं। अब किसी इंडियन को ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम आ गई तो वो कहाँ जाएगा, इंडियन एम्बेसी ढूंढेगा, ठीक है। तो एम्बेसीज हो गई, कॉन्सुलेट्स हो गए, मतलब कि कोई ऐसा इंडिविजुअल जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं बाहर गया, उसको कॉन्सुल बोलते हैं, उसका जो ऑफिस है उसको हम कॉन्सुलेट्स बोलते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया। कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो इसके साथ साथ प्लस होती हैं, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। उसके बाद हमारी टेरिटरी में क्या नहीं आएगा, किसी बाहर की एम्बेसी, बाहर का कॉन्सुलेट, बाहर का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे UNO, WHO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ये भी नहीं आती। अच्छा जी, अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा हमारा, नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिविजुअल, वो इंस्टीट्यूशन है हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया में ही रह रहा है और उसका खाना कमाना खर्चा इकोनॉमिक इंटरेस्ट सब यहीं से होता है, ठीक है, वो नॉर्मल रेजिडेंट है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है फॉलिंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन नहीं है, विजिटर जो घूमने के लिए आया है, ऑब्वियसली हमारा वो रेजिडेंट नहीं होगा, वो घूम के चला जाएगा। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, फॉरेन स्टाफ हो गए एम्बेसीज के, ऑफिशियल्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो गए, ये नहीं होते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNO, WHO, ये मैंने पहले ही बताया, दे आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल एरियाज। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, वो जहाँ से हैं वहाँ के रेजिडेंट्स माने जाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 1 ईयर तो फिर वो रेजिडेंट हो जाएंगे उस कंट्री के जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्रू मेंबर्स हो गए फॉरेन वेसल्स के, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स हो गए, ये बेसिकली हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते अगर उनका स्टे 1 साल से कम है,
ठीक है, बॉर्डर वर्कर्स हो गए, दे आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट वेयर दे वर्क, ठीक है, जहाँ रहते हैं वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। सिटीजनशिप किसको बोलते हैं? आप देखो यार, दो कॉन्सेप्ट हैं, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। रेजिडेंट आप अभी पढ़ के आए हो कि एक इंसान अगर आपके देश में एक साल से ज़्यादा रह रहा है तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा, बट सिटीजन नहीं होगा। सिटीजन लॉ से होता है, वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। रेजिडेंटशिप इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कि खर्चा कहाँ है, पैसा कमाना खाना खर्चा कहाँ पे होता है, ठीक है, ये बेसिक एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट होता है। तो एक इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है अगर वो एक साल से ज्यादा किसी भी कंट्री में रह रहा है, ठीक है, लेकिन क्या वो वहां का सिटीजन भी हो जाएगा? नहीं, सिटीजन नहीं होगा। सिटीजनशिप एक कैसा कॉन्सेप्ट है? ये एक बेटा जी लीगल कॉन्सेप्ट है, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। सिटीजन किसी भी देश का कब होगा? या तो उसका जन्म वहां पे हुआ हो, इफ अ पर्सन इज बॉर्न इन अ कंट्री, या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री का लॉ, उस पर्टिकुलर कंट्री का लॉ अलाउ करे, ठीक है, कि ठीक है जैसे इंडिया में कोई इंडिविजुअल आया, या तो वो यहाँ जन्म लिया उसने तो वो सिटीजन, या फिर भारत की गवर्नमेंट उसको अलाउ करे तो वो सिटीजन। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, दो प्रकार की इनकम्स होती हैं। अगर कोई इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली है अपनी सर्विसेज के बदले में, मेहनत के बदले में, उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम बिना किसी सर्विस के मिल जाती है, जैसे मुफ्त में कोई स्कॉलरशिप आ गई, कोई ओल्ड एज पेंशन आ गई, कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आ गया, तो ये इस पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, आपने कोई प्रोडक्शन वोडक्शन नहीं करा, वैसे ही मिल जाती है। और ये रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, ये नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में, दोनों में इंक्लूड होती है, फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है दोनों में। ये कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होती क्योंकि ये प्रोडक्टिव नहीं मानी जाती, ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कमाना पड़ता है, ये एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपको मिल जाता है, रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसीव बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट्स। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो। अब ट्रांसफर रिसिप्ट जो है वो दो प्रकार की होती है, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर्स इनकम में से होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स वेल्थ में से हो जाते हैं, मतलब पैसे का लेन देन हो रहा है इनकम में से तो वो करंट ट्रांसफर होगा, किसी एसेट का लेन देन हो गया कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा। करंट ट्रांसफर्स रेगुलर नेचर के होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर इरेगुलर होते हैं, ठीक है। करंट ट्रांसफर्स कंजम्पशन के लिए होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन, वॉर डैमेजेस, ये सब। अब एक और डिफरेंस, पहले स्क्रीनशॉट लो। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, कौन सा गुड फाइनल है, कौन सा गुड इंटरमीडिएट है? वो गुड जिसका आप अभी फॉर्म चेंज करोगे, जिससे आप प्रोडक्शन करोगे विद इन द सेम ईयर। अगर एक साल से ज़्यादा रखा है तो इंटरमीडिएट गुड नहीं रहेगा, मतलब कोई भी गुड हो वो इंटरमीडिएट तभी है अगर वो एक साल के अंदर यूज हो जाए और उसका फॉर्म चेंज हो रहा हो, उससे प्रोडक्शन हो रहा हो, वो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। क्या लिखा है? इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज इधर फॉर रीसेल, या तो आप उसको बेच दोगे एक साल के अंदर अंदर, या फिर उससे फर्दर प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। और फाइनल गुड वो है विच आर यूज इधर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या तो आपने कंजम्पशन के लिए लिया होगा या आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा, और इसको या तो आप बेच दोगे या उससे फर्दर प्रोडक्शन करोगे। दे आर इंक्लूडेड इन बोथ, ये दोनों में इंक्लूड कर जाता है नेशनल डोमेस्टिक इनकम, ये कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया जाता। वैल्यू एडिशन, ये रेडी फॉर यूज होते हैं तो कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, ये रेडी फॉर यूज नहीं होते तो इनमें वैल्यू एडिशन होता है, इंटरमीडिएट से ही तो सामान बनता है तो ये रेडी टू यूज नहीं होते। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, ये फाइनल है, आपको कंज्यूम करना है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में, इनमें अभी प्रोडक्शन होगी। एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क, लेकिन वही मिल्क अगर किसी डेयरी वाले ने खरीदा रीसेल के लिए तो वो इंटरमीडिएट हो गया, वही मिल्क कंज्यूमर ने खरीदा कंज्यूम करने के लिए तो वो फाइनल गुड हो गया, ठीक है। लो जी, ये सभी कॉन्सेप्ट्स में डिटेल में भी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप जाके इसी चैप्टर का नाम डालो, डिटेल वीडियो आ जाएगी, वो भी देख सकते हो। इसके बाद क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स कौन से हो गए, वही ये जो है ना फाइनल गुड्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, देखो यहां पे था ना, या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कंजम्पशन के लिए जो करे आते हैं उनको कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो करे आते हैं उनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो फाइनल गुड्स की दो कैटेगरीज हैं, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। देखो कंजम्पशन गुड्स,
those goods which satisfy the wants of consumers directly. Consumption goods are further subdivided into three categories: durable, semi-durable, non-durable or services. Four categories. Durable, जो लंबे समय तक चलेंगे, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर. सेमी ड्यूरेबल, जो लिमिटेड पीरियड के लिए यूज़ करे जाएंगे, वो सेमी ड्यूरेबल है, एक साल के अंदर अंदर का लाइफ स्पैन होता है इनके अंदर. और नॉन ड्यूरेबल, जो बस दो चार दिन के ही हैं, है ना, ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं, जैसे मिल्क, ब्रेड, पेपर, राइट. सर्विसेज तो आप सब जानते हो, टीचर्स की, डॉक्टर्स की, बैंक्स की. कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो आपको दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे, उनको आप कैपिटल गुड्स बोलते हो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे इक्विपमेंट. सर इनको इंटरमीडिएट क्यों नहीं बोलते? इंटरमीडिएट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एक साल से ज़्यादा आपके पास पड़े रहते हैं, ठीक है. मतलब एक प्रिंटर ले लो, वही प्रिंटर अगर आपने घर पर रखा हुआ है, वही सेम प्रिंटर आपने घर में रखा हुआ है, अब एक साल से ज़्यादा चलेगा तो वो बेसिकली आपके लिए कंजम्पशन हो गया. वही प्रिंटर अगर बेसिकली किसी फर्म ने अपने पास रखा हुआ है तो वही कैपिटल गुड हो गया है वो फाइनली, समझ रहे हो. इंटरमीडिएट नहीं होगा वो. इंटरमीडिएट क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक साल के अंदर अंदर ना उसकी फॉर्म चेंज हो रही, ना ही वो हम रीसेल कर रहे, ठीक है, इसीलिए. अच्छा जी, अब देखो, दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, और उनकी लाइफ सेवरल ईयर्स की होती है, ठीक है. ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, ओके. रिपेयर, रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती रहती है इनके अंदर. दे हैव डिराइव्ड डिमांड. डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है इनकी डिमांड डिपेंडेंट होती है किसी और प्रोडक्ट की डिमांड पे, ठीक है. मतलब अगर फॉर एग्जांपल गर्मी नहीं होगी तो रेफ्रिजरेटर नहीं बिकेंगे ना भाई, किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है इनकी डिमांड, ठीक है. इसके बाद कंजम्पशन और कैपिटल का डिफरेंस देख लो. दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली एंड दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स इनडायरेक्टली, ठीक है. दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे हेल्प्स इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी. ये कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, ये बढ़ाते हैं. मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ. इनकी लाइफ काफ़ी लिमिटेड होती है और इनकी लंबे समय तक होती है, एक साल से ज़्यादा. इसके बाद डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस क्या होता है? अगर किसी भी एसेट की वैल्यू समय के साथ कम 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 होती जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. क्योंकि आप उसका कॉन्टीन्यूस यूज़ कर रहे हो, आप उससे बेसिकली कॉन्टीन्यूसली उसका वियर एंड टीयर हो रहा है, उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर टीयर पैसेज ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन. और कैपिटल लॉस क्या होता है? कोई भी अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, मतलब टेक्नोलॉजी चली जाए, नेचुरल कैलमिटी आ जाए, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो लॉस है, ठीक है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप ज़रूर बनाते हो, प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस कुछ नहीं होता, नहीं बनता. इट डजंट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं करता, ये हैम्पर करता है, डिस्टर्ब करता है. क्यों करता है? प्रोडक्ट ही चोरी हो गया. डेप्रिसिएशन के तीन कारण: नॉर्मल वियर टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. वियर टीयर मतलब वही कॉन्टीन्यूस यूज, पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ चीज़ें पुरानी होती चली जाती हैं, और ऑब्सोलेसेंस टेक्नोलॉजी नया आ जाना. डेप्रिसिएशन के अदर नाम कौन कौन से हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक है. इन्वेस्टमेंट आप समझते हो, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकॉनमी. दो प्रकार का होता है, ग्रॉस और नेट. जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बिफोर द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन से पहले होता है, और जो नेट होता है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन होता है. तो ग्रॉस नेट प्लस डेप, ठीक है, और नेट ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी. NIT रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड सब्सिडीज. NIT इज IT माइनस सब्सिडीज, ये पता होता है ये आपको. इनडायरेक्ट टैक्सेज क्या होते हैं? वो टैक्सेज जो गवर्नमेंट लगा रही है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे. और सब्सिडीज आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट ने दिया है फर्म्स को और हाउस होल्ड्स को विद अ मोटिव ऑफ जनरल सर्विस. फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस भी आप जानते हैं. अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा दिया गया है उनकी सर्विसेज के लिए, वो फैक्टर कॉस्ट है. और मार्केट प्राइस, जिस पे वो प्रोडक्ट मार्केट में बिका है, उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं. फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फ़र्क किस चीज़ का होता है? NIT का. तो आपको पता है, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस NIT, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना तो माइनस NIT, पढ़ाया हुआ है ये चीज़ें. उसके बाद NFIA क्या होता है? NFIA इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, FIFA माइनस FITA, है ना. NFIA के कॉम्पोनेंट्स बेटा प्लीज़ याद रखना क्या क्या है. नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स. ये तीन कॉम्पोनेंट्स NFIA के आपको याद रखने हैं.
NFI is zero in closed economy as such economy doesn't deal with rest of the world. Closed economy में NFI की value zero होती है क्योंकि closed economy rest of the world के साथ deal नहीं करता. दो ही sector होते हैं, households और firms. तो this is how basic concepts needs to be revised. इसमें आपको कोई भी ऐसा concept हो जो आपको detail में पढ़ने का मन करे तो आप chapter खोलो और detail में आराम से पढ़ सकते हो. मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रिविजन ने आपकी मदद करी होगी. इतने भी टॉपिक्स आप लर्न करके चलोगे, स्पेसिफिकली डिफरेंसेस लर्न कर लेना तीनों अच्छे से. कौन कौन से? ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड. अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 की तरफ. अब चैप्टर 3 की थ्योरी पढ़ते हैं जो कि है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. इस चैप्टर से थ्योरी यूजुअली आती नहीं है बट फिर भी डेफिनेशन से आपको पता होनी चाहिए. हमारे पास टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं? ये 8 एग्रीगेट्स होते हैं. GDP MP, GDP FC, GDP at MP, NDP at MP, NDP at FC, GNP at MP, GNP at FC, NNP at MP, NNP at FC. ये आपको पता होने चाहिए. इसके बाद देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो GDP at MP. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको डेफिनेशन में मदद करेगा. सबसे पहली बात, कभी भी MP दिया होगा तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू आएगा, FC दिया होगा तो मनी वैल्यू आएगा. ठीक है, मनी वैल्यू याद रखना, मार्केट प्राइस पे मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट पे मनी वैल्यू. ठीक है, अब देखो ये कौन सी वाली वैल्यू है? ग्रॉस. तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. देखो डोमेस्टिक है ना, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ये आपको पता होना चाहिए. ये भी ग्रॉस वैल्यू, डोमेस्टिक वैल्यू, लेकिन ये FC पे है तो मनी वैल्यू. इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. GDP एट FC और GDP एट MP में फर्क होता है NIT का. ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, समझ गए. अब ये वाले दो वैल्यूज देखते हैं. चलो NDP MP और NDP FC. अगर MP है मार्केट वैल्यू, FC है मनी वैल्यू, इस बार नेट है तो नेट आ गया, यहाँ पे भी नेट आ गया. ठीक है, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. देखो डोमेस्टिक पे है ना, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक है, और इट रेफर्स टू अ नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. बस डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं है इसमें खास. अब नेशनल की बात करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी की बातें नहीं होंगी क्योंकि ये सब कौन सा है? नेशनल प्रोडक्ट आ गए. अब कहीं पे भी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं लिखा जाएगा. मार्केट प्राइस तो मार्केट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट तो मनी वैल्यू, ग्रॉस तो ग्रॉस, ग्रॉस तो ग्रॉस. ठीक है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. पहले था प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन ये नेशनल प्रोडक्ट है. प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया है, चाहे वो हमारे देश में बनाया हो चाहे बाहर बनाया हो, वो हमारा नेशनल इनकम में जुड़ेगा. ठीक है, ऑफ अ कंट्री एट अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. GNP एट FC, GNP MP माइनस NIT. ठीक है, इसके बाद दो बचे, नेट फैक्टर कॉस्ट है तो मनी वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू है तो MP. ठीक है ना, इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट. सेम, बिल्कुल सेम डेफिनेशन. इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट. डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है? इंपॉर्टेंट है, देख लो. डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट करी गई है, और नेशनल इनकम वो होती है जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जनरेट करी है. तो क्या लिखा है? इट इज़ अ टेरिटरी कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड इट इज़ अ नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में बस मेरे रेजिडेंट के द्वारा होनी चाहिए. इट कंसिस्ट ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. इट कंसिडर ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स. ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूसर चाहे कोई भी हो, हमारी अगर टेरिटरी में हुआ तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा. नेशनल का पार्ट तब बनेगा अगर वो हमारे रेजिडेंट ने बनाया हो. ठीक है, इट डजंट इंक्लूड NFIA, उसमें NFIA होता है. अब आता है GDP MP और NNP FC में डिफरेंस. GDP MP और NNP FC. देखो एक तो MP है एक FC है, यहीं से दिख रहा है. मार्केट वैल्यू मनी वैल्यू है ना,
और डोमेस्टिक ये नेशनल, तो इट इज़ अ टेरिटरी कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ नेशनल कॉन्सेप्ट. कैटेगरी एंड प्रोड्यूसर्स, इट कंसिडर्ड ऑल द प्रोड्यूसर्स. डोमेस्टिक में तो सभी प्रोड्यूसर्स आ सकते हैं, मेरे देश में होना चाहिए, और नेशनल में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए. ठीक है. एनआईटी, इट इज़ एट मार्केट प्राइस, इट इंक्लूड्स एनआईटी. इट इज़ एट फैक्टर कॉस्ट, इट एक्सक्लूड्स एनआईटी. इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इट डजंट इंक्लूड डेप्रिसिएशन. ये नेट है, नेट में डेप माइनस हो चुका होता है, इसमें डेप होता है. ओके चलो ऐसा ही बस. बाकी तो प्राइवेट इनकम वगैरह तो आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. तो ये हो जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 3. अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की थियरी की तरफ. गाइज अब चैप्टर नंबर 4 में हमें मेनली मेथड्स के बारे में पढ़ना है जो आपने पढ़े हुए हैं. सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड की अगर बात करें तो दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेसेस. याद रखना डिफरेंट अलग अलग फेसेस में वैल्यू एडेड मेथड यूज़ होता है. ठीक है. इसमें बेसिकली हम वैल्यू एडेड निकालते हैं. वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू एडिशन टू वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. मतलब कि कोई फर्म अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू कितना वैल्यू एडिशन करती है रॉ मटेरियल में, उस वैल्यू एडिशन की मदद से हम नेशनल इनकम निकालते हैं. वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या आप ऑलरेडी जानते हो. इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है बाय अ प्रोडक्शन यूनिट ऑन परचेजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर मीन फॉर रीसेल और बाय यूजिंग ऑफ कम्प्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर. मतलब बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी पैसे खर्च हुए हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, राइट. वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन ईयर. वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ऑल्टरनेटिव मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट का सेल्स, जो कि कभी गिवन नहीं होता, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक. वैल्यू एडिट के क्या स्टेप्स हैं? ये स्टेप्स याद रख लेना. आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स. पहले आप देखो कि प्रोडक्शन यूनिट्स कौन कौन सी हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं. एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी निकालो. उसके बाद एनडीपी एट एफसी, उसके बाद उसके अंदर एनएफआईए जोड़ दो तो एनएनपी एट एफसी पे पहुंच जाओगे. अरे बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं जो पता होने चाहिए. बस क्या करना है, क्लासीफाई करो प्रोडक्शन यूनिट्स को, जीडीपी एमपी निकालो, फिर एनडीपीएफसी पे जाओ और फिर एनएनपीएफसी पे जाओ. इस तरीके से मतलब आप किसी भी मेथड के जब आप प्रिकॉशंस लिखोगे, स्टेप्स लिखोगे, तो पहले डोमेस्टिक इनकम पे जाना फिर नेशनल पे जाना. ठीक है. वैल्यू एडेड मेथड देखो, जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीए ऑफ टर्शरी सेक्टर, तीनों को जोड़ दो, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा. उसमें से डेप और एनआईटी हटाओ, डोमेस्टिक इनकम आ गया. एनएफआई जोड़ दो, नेशनल इनकम आ गया. वैल्यू एडिट के कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि सबसे पहला इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता नेशनल इनकम में. अब ये आपको मदद करेगा नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में. तो याद रखेंगे सबसे पहले क्या इंक्लूड नहीं होता, इंटरमीडिएट गुड्स. क्यों नहीं होता सर? क्योंकि अगर वो ऐड हो जाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी. फाइनल गुड होगा ना ऐड, ये नहीं होता. उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होता. सेकेंड हैंड गुड्स अगर आपने सेल परचेज करें इंक्लूड नहीं होते. जब पहली बार हुए होंगे तो वो ऑलरेडी हो गए होंगे. लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज आपने किसी ब्रोकर के थ्रू करी और उस ब्रोकर की कोई कमीशन बनी, ब्रोकरेज बनी, तो वो ऐड होगी. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड. सर्विसेज जितनी भी डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, घर पे जो सर्विसेज हैं, वो कंसिडर नहीं होती, क्योंकि उनकी आप मॉनेटरी वैल्यू नहीं एस्टिमेट कर सकते कि कितने रुपए की वो सर्विसेज हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होंगे. अगर आपने गुड्स बनाए हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो इंक्लूड होंगे क्योंकि उनकी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हो आप. ठीक है. इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड. याद रखना जिनके पास अपने मकान हैं तो उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू, क्योंकि वो लोग भी वो सर्विसेज इंजॉय करते हैं जो दूसरे लोग जो रेंट पे रहते हैं वो पैसा दे के इन्जॉय करते हैं, तो उसका इम्प्यूटेड वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं. चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इंक्लूड होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है. इनकम मेथड जिसका दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम्स विच एक्रू टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इन सबको जोड़ दो तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाता है, उससे नेशनल इनकम मिल जाता है. कॉम्पोनेंट्स आपको पता है यार, कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको सारे पढ़ाए हुए हैं. प्राइम, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्सड इनकम, सीओई. वही सीओई आ गया, वेजेस सैलरी आता है इसमें, वेजेस सैलरी आता है और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है. ये सब आपको बताया, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ठीक है. प्रॉफिट में क्या क्या आता है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग. डॉक्टर कॉर्पोरेट पढ़ाया था. ये सब कुछ खास नहीं है, इनसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाने वाला. ठीक है जी. अच्छा अब इसके स्टेप्स देखो फिर से. आइडेंटिफाई क्लासीफाई करो प्रोडक्शन यूनिट्स को. एस्टिमेट फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर.
हर सेक्टर कितना फैक्टर इनकम पे कर रहा है, कैलकुलेट एनडीपीएटएफसी निकालो और उसके बाद डायरेक्टली एनएफआईए जोड़ दो, एनएनपीएटएफसी पे पहुंच जाओ। क्या प्रिकॉशंस हैं इसमें भी, ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ऑब्वियसली सेकेंड हैंड इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इंक्लूड नहीं होंगे। शेयर बिका है, बॉन्ड्स बिके हैं, डिबेंचर बिके हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होता है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन उन पर अगर कोई कमीशन बनी है तो वो इंक्लूड होगी, ठीक है। विंडफॉल गेन्स जैसे लॉटरी, हॉर्स रेस, ये इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाई ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड, ये वही ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज वो सब चीज़ें हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। कॉम्पोनेंट आपको पता है GGNP, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो सब यहाँ पे लेना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक वगैरह और नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब आपको इंक्लूड करना है। इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको मदद करेंगे चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स, जो फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद क्लासिफाई करो कि किस प्रकार का फाइनल एक्सपेंडिचर है, यानी कौन सा प्राइवेट है, कौन सा हाउसहोल्ड है, हाउसहोल्ड और प्राइवेट तो एक ही हो गया, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा नेट एक्सपोर्ट्स है, उन्हें सबको जोड़ो, डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी। उसके बाद GDPMP निकलेगा, GDPMP से फिर डोमेस्टिक इनकम पे आना है, फिर नेशनल इनकम पे आना है। मतलब प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल में तो आप डायरेक्टली जाते हो, बट जब भी आप स्टेप्स लिख रहे होगे तो स्टेप्स में हमेशा याद रखना, अगर स्टेप्स आए तो क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करने के बाद उन सबको ऐड करो, कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद पहले डोमेस्टिक पे जाना फिर नेशनल पे जाना, ठीक है। अब इनकम से तो सीधा डोमेस्टिक ही निकलता है, NDPHFC, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर में पहले GDP निकलेगा, फिर GDP से NDPHFC पे जाओ, फिर NDPHFC से NNPHFC पे जाओ, ये याद रखना है। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं इसमें भी, वही लगभग वही प्रिकॉशंस हैं। एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो इंटरमीडिएट है। उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होगी, फैक्टर पेमेंट्स होती हैं। सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन उस पर अगर कोई कमीशन है तो वो इंक्लूड होगा। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स वगैरह इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन उस पर कोई ब्रोकरेज है, कमीशन है, वो इंक्लूड होगा। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन यानी कि मिक्स इनकम विल बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड होता है, ठीक है। जैसे वैल्यू एडेड में ही प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड हुआ था। कुछ पॉइंट्स हैं, ये बस माइंड में सेट रखो, आसानी से हो जाएगा। ये नेट एक्सपोर्ट्स और NFIA में क्या फर्क होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस फॉर 2 मार्क। नेट एक्सपोर्ट्स और NFIA, याद रखो, नेट एक्सपोर्ट्स गुड्स और सर्विसेज की टर्म्स में है और NFIA इनकम की टर्म्स में है, कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है। नेट एक्सपोर्ट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड एंड फैक्टर इनकम पेड। उसके बाद ये एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है नेट एक्सपोर्ट्स, और ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, बाहर से इनकम आ रही है। ये नॉन फैक्टर सर्विसेज भी इंक्लूड करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर सर्विसेज आती हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेज, नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइजेज। तो करंट प्राइजेज कौन सा होता है, जिसमें हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं आज ही के प्राइस पे, यानी आज की क्वांटिटी और आज ही का प्राइस। कॉन्स्टेंट प्राइजेज में हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी होती है वो तो आज की होती है, लेकिन प्राइस बेस ईयर का हम लोग कंसिडर करते हैं, सो दैट उसमें इन्फ्लेशन की वैल्यू इंक्लूड ना हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइजेस, और यहाँ पे हम लेते हैं करंट ईयर प्राइजेस। ये एक अच्छा टूल नहीं है क्योंकि करंट ईयर कई बार प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस की वजह से इसमें हम नेशनल इनकम बढ़ा के दिखा रहे होते हैं, बट इन्फ्लेशन शो करता है वो और कुछ नहीं। ये एक अच्छा टूल है, तो याद रखना बेटर टूल ये है। इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी, दोनों से अफेक्ट होता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली, क्योंकि प्राइस तो आपने बेस ईयर का ले लिया इसमें। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेशन P1 Q1, यानी दोनों करंट, इसमें प्राइस बेस का, क्वांटिटी करंट की। उसके बाद अल्टरनेटिव नेम नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं, इसको रियल नेशनल इनकम बोलते हैं क्योंकि रियल वैल्यू यही दिखाता है। ये तो ऊपर आ गया था, सूटेबल टूल नहीं है। उसके बाद नॉमिनल GDP या GDP एट करंट प्राइजेस और रियल GDP, GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस। जब भी आप बेस ईयर पे करोगे तो उसको रियल GDP बोलते हैं, GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस बोलते हैं। करंट ईयर पे करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली GDP एट करंट प्राइजेस या फिर नॉमिनल GDP। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एंड रियल GDP अगर आपको निकालना हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला है रियल GDP का, वो क्या है जी, नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये फॉर्मूला आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आगे पीछे कर सकते हो। यूजुअली मैंने न्यूमेरिकल में भी आपको बता दिया था कि प्राइस इंडेक्स इज नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, बट आप ये थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वो आता है GDP एंड वेलफेयर।
वो आता है हमारे पास जीडीपी एंड वेलफेयर। ये टॉपिक ये बोलता है कि क्या जीडीपी को एक अच्छा इंडेक्स माना जाए इकोनॉमिक वेलफेयर का। तो हम लोग बोलते हैं नहीं, जीडीपी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि जीडीपी में हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात करते हैं, लोगों के वेलफेयर की बात नहीं करते। क्या मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कुछ पॉइंट्स के साथ? बिल्कुल जस्टिफाई कर सकता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में बेसिकली हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई जीडीपी तो बढ़ रहा है, बट क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है लोगों पर। फॉर एग्जांपल देश का जीडीपी बढ़ रहा है और वो सिर्फ कुछ सेलेक्टिव लोगों की प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, तो यार पूरे देश में हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक तो वो जीडीपी नहीं जा रहा ना। तो दैट इज वाई पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर जीडीपी हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो फिर मैं बोलूंगा इट इज अ गुड इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर। दूसरा होता है हमारे पास चेंज इन प्राइसेस। बहुत बढ़िया, चेंज इन प्राइसेस नंबर टू इज चेंज इन प्राइसेस। चेंज इन प्राइसेस ये होता है कि अगर जीडीपी बढ़ा है प्राइसेस बढ़ने की वजह से, अगर जीडीपी में इंक्रीमेंट है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो वो भी एक अच्छा टूल तो नहीं है ना इंडेक्स का कि महंगाई हो रही है और आप खुश हो रहे हो जीडीपी बढ़ रहा है जीडीपी बढ़ रहा है, तो वो भी चीज़ वेलफेयर रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, दूसरा चेंज इन प्राइसेस, तीसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब होता है कि हमारे घर पे हमारी फैमिलीज में हम लोग बहुत सारी ऐसी सर्विसेज इंजॉय करते हैं जो हमारी वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी हैं, कि आपके हाउसवाइफ की, आपकी हाउसवाइफ की सर्विसेज, मदर की सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिसकी वैल्यू हम कंसिडर ही नहीं करते जबकि हमारे वेलफेयर में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज भी एक ऐसी चीज़ है जो जीडीपी में तो नहीं आया बट हमारे वेलफेयर में आता है। दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि ये भी पॉइंट जस्टिफाई कर रहा है कि जीडीपी एक अच्छा इंडेक्स नहीं है इकोनॉमिक वेलफेयर का। नंबर फोर आता है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से याद करना। एक्सटर्नैलिटीज आर बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच वी आर नीदर पेड नॉर पिनलाइज्ड। मतलब कि आपने किसी चीज़ के लिए कोई अच्छा काम करा, फॉर एग्जांपल आपने पेड़ लगाए तो आपको कोई सम्मानित नहीं कर रहा, आगे आपको कोई अवार्ड नहीं दे रहा, और आप दुनिया भर का पॉल्यूशन कर रहे हो, आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो करते हो, आप जीडीपी तो बढ़ा रहे हो, लेकिन वो जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सब आप बराबर में रिवर में बहा देते हो जिससे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ को डैमेज होता है, बहुत सारे जो फिशेस वगैरह हैं उनकी डेथ हो जाती है, लोगों को गंदा पानी मिलता है पीने को, तो उसके लिए आपके ऊपर कोई पेनल्टी तो लगा नहीं रहा, तो आप बस जीडीपी पे खुश हो रहे हो कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया किसी ने कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स कितने हो रहे हैं। तो हमारे वेलफेयर के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है वो सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जिसको हम कंसिडर नहीं करते, ना ही हमें उसके लिए अप्रिशिएट करा जाता अच्छी चीज़ों के लिए और ना ही हमें बुरी चीज़ों के लिए पेनल्टी लगाई जाती। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के दो एग्जाम्पल याद रखना, पेड़ लगाना, पब्लिक पार्क्स में घूमना फिरना, ये हमारे वेलफेयर में बढ़िया है। लेकिन अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, पॉल्यूशन करना, इस तरीके की चीज़ें ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ में आ जाती हैं। इसके बाद आता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, अब फॉर एग्जांपल आपका जीडीपी तो बढ़ रहा है बट आपका पॉपुलेशन उससे भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो पाएगा? एक इंडिविजुअल ने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया बट जनसंख्या देश की और तेज़ी से बढ़ गई, तो भाई जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो तो कम ही रहेगी ना। तो सिर्फ जीडीपी बढ़ना वेलफेयर रिफ्लेक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ दीज फाइव रीजंस। तो ये आपको पता होने चाहिए और यही सारी थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। मैंने ये रिवीजन पूरा का पूरा आपको करा दिया, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन इन नेशनल इनकम। इसमें से आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि डाउटफुल है, मुझे डिटेल में देखना है, तो आप उस वीडियो को सर्च करो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। और नहीं तो मैं जो वन शॉट वाली प्लेलिस्ट मैं मेंटेन कर रहा हूँ उसमें भी मैं वो सारे लिंक्स डाल दूंगा, आप आराम से जाके देख सकते हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो होपफुली आपको सारी थ्योरी रिवाइज हो गई होगी अच्छे से और सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून, तब तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एंड प्रैक्टिस करते चलो। ऑल द बेस्ट।